तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर फिफ्थ में। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको जो है मेरी वीडियो कैसे लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो लूसी के डैड है वो तोया को बोल रहे होते हैं कि तुमने जो है हमारे प्रिंस और प्रिंसेस की जान बचा ली और साथ में इस एम्पायर को भी बचा लिया। मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पे कुछ रीपे करना चाहता हूँ। तभी जो तोया वो बोलता है कि नहीं नहीं, रीपे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ये राजा बोलते हैं कि अभी तक तोया जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ये बताते हैं कि मैंने भी जो है इसको यहाँ पे रीपे करने की कोशिश की थी, पर इसने जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, पर मैंने जो इसे यहाँ पे अपनी बेटी का हाथ दे दिया। तभी जो लूसी के डैड है वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम भी जो हो मेरी बेटी से शादी कर लो यहाँ पे, इससे जो होगा हम दोनों के जो स्टेट के रिलेशन हो काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तभी जो है ये लड़की बोलती है कि मुझे कुछ बोलना है यहाँ पे, आपकी बात जो है बहुत ज्यादा सही है और मैं भी चाहती हूँ कि जो लूसी है वो यहाँ पे तोया की जो है फियोंसे बन जाए, इससे क्या होगा कि हमारे जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे हमारे नेशन के। तभी जो तोया है वो बोलता है कि आखिर ये बोल कह रही है ये। तभी जो लूसी के डैड है वो कहते हैं कि सबने डिसाइड कर लिया है, तो अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते। तोया ये लोग पूछते हैं लूसी से कि लूसी तुम बताओ तुम क्या कहते हो। जो लूसी है वो तो काफी ज्यादा खुश रहती है और कहती है कि मैं जो हूँ तोया की वाइफ बनने वाली हूँ। ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं महल से, ये अभी भी काफी ज्यादा खुश होती है और जो सभी लड़कियां होती हैं वो इसको जो है कन्वर्सेशन कह रही होती है। यहाँ पे तोया है वो बोलता है कि मैं जो हूँ 18 के बाद ही शादी करूंगा, आपको मंजूर तो है ना। तो जब ये लूसी के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मुझे मंजूर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तोया बोल रहा होता है कि ये हमेशा इसी तरह एंड क्यों होता है। जो ये राजा जी बोलते हैं कि हमें जो है यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए अपने परिवारों के बीच में और अपने लोगों के बीच में, पर एक दिक्कत है यहाँ पे, जो तोया का जो लेवल है वो हमारे बराबर नहीं है। तभी जो तोया है वो बोलता है कि ये जो है फिर से लेवल पे आ गए हैं। तभी जो यहाँ पे राजा जी बोलते हैं कि मैं डिसाइड करता हूँ कि हम जो है तोया को अपनी लैंड दे देंगे। तभी तोया समझ नहीं पाता कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तभी जो लूसी के डैड होते हैं वो बताते हैं यहाँ पे रेगुलस और जो है बैटल फील्ड के बीच में जो है एक लैंड आती है, तो ये बोलते हैं कि मुझे जो है वहाँ पे फाउंड करना पड़ेगा कि एक कंट्री कहते हैं कि वो जो लैंड है वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, तो तुम जो वहाँ पे बड़े आराम से जो काम कर सकते हो और जिस कंट्री को चाहो तुम जो वहाँ पे इनवाइट कर सकते हो जिस भी नेशन को तुम चाहो, तो इससे जो अपनी लेवल की प्रॉब्लम है वो भी हट जाएगी। यहाँ पे तुम दोनों प्रिंसेस से भी शादी कर सकते हो। तभी जो तोया है वो सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा मुश्किल आ गया, तो फिर वो जो है यहाँ पे कहता चलो ठीक है ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, तो ये जो है यहाँ पे मान जाता है, कहता चलो ठीक है। तोया जो है घर पे आ जाता है जहाँ पे सारी लड़कियाँ जो खुश हो रही होती है कि हमारा जो है खुद का एक नेशन बनने वाला है। तो ये पूछते हैं कि तुम जो उस कंट्री का नाम क्या रखोगे, तो तोया बोलता है कि मैं जो हूँ उस कंट्री का नाम बोल्डहिंड रखूंगा। तभी ये बोलते हैं कि हमें जो है उसी पॉइंट पे मूव कर देना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो ये बोलता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो मुझे समझ नहीं आया। तभी लड़की जो बताती है अगर आप यहाँ पे रहोगे तो ऐसा लगेगा कि आप जो बैटल फील्ड का यहाँ पे फेवर ले रहे हो। तोया बोलता है लगता है कि हमें जो है यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, हमें जो है अपने लिए एक नई जगह ढूंढनी पड़ेगी रहने के लिए। तभी वहाँ पे जो है लूसी आ जाती है और बोलते इंतजार करवाने के लिए माफ करना, आप लोग ये ड्रेस देख के बताओ कि कैसी लग रही है, मैं जो हूँ बाहर जाने के लिए ये ड्रेस पहनने की सोच रही हूँ। जो तोया है वो बोलता है कि तुम पे तो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। तभी जो प्रिंसेस है वो बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ पे बताती है कि हम जो है यहाँ पे अपना खुद का नेशन बनाने वाले हैं। तो ये जो प्रिंसेस होती है लुई वो बोलती है कि आप जो यहाँ पे कैसल नहीं बनाने वाले क्या? तभी तोया बोलता है कैसल, तो ये बताती है कि हाँ कैसल के बिना तो वहाँ पे कुछ मजा ही नहीं आएगा। तो तोया होता है वो यहाँ पे कैसल के बारे में जानकारी लेने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो है ये लड़की आती है और कहती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम लोग देखो कि मैंने वर्कशॉप में क्या कर दिया है यहाँ पे। ये जो है इन्हें वर्कशॉप में लेके आ जाती है और बोलती है कि अब मैंने जो है सभी चीजें ऑटोमेटिक कर दी है, सभी चीजें जो है ऑटोमेटिक काम करेगी। ये यहाँ पे दिखाती है यहाँ पे सब चीजें बना के, बोलती है कि तुम किसी भी लैंड को लेके कुछ भी बना सकते हो। तो तोया बोलता है कि तुम क्या मटेरियल बना सकती हो कैसल के लिए? तो ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल बना सकती हो, तुम बताओ किस तरह का मटेरियल चाहिए तुम्हें। ये जो है यहाँ पे बहुत तरह के मटेरियल के नाम लेती है। तो तोया बोलता है कि तुम जो थोड़ा चुप हो जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो कैसल है वो भी बन के यहाँ पे तैयार हो चुका होता है। जो कैसल होता है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और बाहर से तो वो जो है और भी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ये लोग कहते हैं फाइनली 3 दिन बाद हमारा जो कैसल है वो
पूरा हो चुका है। यहाँ पे जो सभी लड़कियां होती हैं वो काफी खुश होती हैं और वो अंदर जा रही होती है, तभी जो तोया है वो भी अंदर आ जाते हैं। वो जो एक चीज को लगा रहा होता है, तभी लड़की आके पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। ये बोलता है कि ये जो है एक की तरह काम करेगी गेट की। तो ये बोलता है कोई बंदा जो है हमारे बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता है, अगर तुम चाहो तो इसको ट्राई कर सकती हो यहाँ पे। तो ये जो है इस की को जो है यहाँ पे छूती है, छूने के बाद यहाँ पे जो है गेट ओपन हो जाता है और ये लोग जो है घर के अंदर आ जाते हैं। तभी जो ये लड़की होती है ये कहती है कि आपके जो है यहाँ पे लेटर आया है किंगडम ऑफ बैटल फील्ड की तरफ से। तो ये जो है यहाँ पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बोलता है तुम ही हो तो या मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तभी जो एम्पायर के राजा होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इनसे। ये जो है रीफेल एम्पायर के राजा है यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे आकर बोलते हैं कि चलो सीधी बात पे आते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जो हमारी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बना लो यहाँ पे। नॉर्मली मैं तो यहाँ पे जो हूँ अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया था, पर तोया होता है वो एकदम से सोचने लग जाता है इसकी बेटी के बारे में, और यहाँ पे जो है इसकी बेटी के बारे में सोच रहा होता है। बोलते हैं कि नहीं नहीं रहने दो रहने दो। तो ये बोलते हैं कि तुम जो डरो मत, मेरा जो बेटी का रिश्ता है वो पहले से कहीं पे तय हो चुका है। ये तोया को बोलते हैं अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा जो किंगडम देखने आना चाहता हूँ। तभी ये बोलते हैं किंगडम देखने और भी जो नेशन है उनको इनवाइट करना पड़ेगा। तभी जो राजा जी बोलते हैं कि हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि तुम जो बाकी नेशन को बुलाओगे तो जो फैमिली रिलेशन बढ़ जाएगा तुम्हारे और उनके बीच में। तोया है वो यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि लगता है मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये जो है बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता है कि मैं क्या क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये लोग एक कुर्सी पे बैठे होते हैं। तभी जो तोया है वो बोलता है कि मुझे जो इस तरह की कुर्सी जरूर एम्पायर में लगानी चाहिए सभी के। यहाँ पे जो है ये और भी चीज सोच रहा होता है क्या क्या कि मैं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे जो है एक लड़की आती है और बोलती है कि सर विजिटर आया हुआ आपसे मिलने के लिए। तो ये जो है यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है एक लड़की आई होती है। तभी जो तोया वो बोलता है कि तुमसे मिले तो मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया। ये जो है यहाँ पे इसका नाम बोलता है सुबह की। ये पूछता है कि बताओ आजकल क्या क्या चल रहा है। तो ये जो है यहाँ पे बताती हैं कि जो टिकेट सोम्बी है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। तो बोलते कि हमने जो उसको बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश की पर वो बचा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो है नए राजकुमार थे हमारे, उन्होंने जो है यहाँ प्राइजेस को बढ़ा दिया और टैक्स भी बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया उन्होंने। जो कोसका ने था अपनी एडवाइस यहाँ पे देनी चाहती थी पर उन्होंने जो है इसे सुनने से मना कर दिया और कहा कि मुझे नहीं सुनना। तो एंड में क्या हुआ कि उनसे जो है उनकी लैंड भी यहाँ पे छीन ली गई है। तो हम लोग जो है आपकी यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए आए हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप जो है अपने किंगडम में हमें रहने दे। तभी यहाँ पे ये बोलता है कि सभी बंदे आए हुए हैं। तो जो लड़की है वो बोलती है कि हाँ सभी बंदे आए हुए हैं, सभी लोग जो है कैसल के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यह पूछता है कितने बंदे हो सकते हैं। तभी जो ये लड़की है ये बताती है कि यहाँ पे जो 67 बंदे हो सकते हैं बच्चों को मिला के सबको इंक्लूड करके। ये बोलता है तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मैं उनको यहाँ पे कैसे रखूंगा। ये लड़की बोलती है कि आप जो उनकी टेंशन मत लीजिए, वो जो है सारे स्किल बंदे हैं। तो ये बोलता है ठीक है फिर तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो। तो ये लोग जो है यहाँ फाइनली रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो है ये बंदा तो ऐसे बात कर रहा होता है कि मजिस्ट्री मुझे पता है कि आप ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे रहें क्योंकि आप जो है यहाँ पे अपने स्टेट को यहाँ पे जो है बढ़ाना चाहते हो। और ये बोलता है ये सही बात भी है क्योंकि अगर जो है पीपल विकास नहीं करेंगे तो आपका विकास कैसे होगा। ये बोलते विकास करने के लिए हमें जो है उस जगह पे हाईवे बनाना पड़ेगा। तभी जो तोया होता है वो जो है अपनी मैजिक से यहाँ पे हाईवे बनाना शुरू कर देता है। वो जो है काफी यार चीजें वहाँ पे ठीक कर रहा होता है अपने मैजिक से। यहाँ पे जो है एक घर बन के भी तैयार हो जाता है और फाइनली जो तोया का शहर होता है वो भी बन के यहाँ पे धीरे धीरे तैयार हो रहा होता है। तो तोया बोलता है कि मैं जो है यहाँ पे मून रीडर की एक नई ब्रांच भी खोलूंगा। और यहाँ पे देखते तोया जो बच्चे हैं काफी खेल रहे हैं जिनको देखे तोया काफी खुश होता है। तभी जो यहाँ लुई आ जाती है। तो तोया पूछता है क्या हुआ। तो लुई बताती है कि आपने खाना तो खाया नहीं होगा तो मैं जो आपके लिए यहाँ पे जो है लंच लेके आई होती। तोया बोलता है कि ओहो मैं तो भूल ही गया था यहाँ पे खाना। यहाँ पे जो तोया है और लुई बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो तोया है वो खाना खा रहा होता है। तभी जो लुई है वो बताती है कि मैंने जो है पहली बार खाना बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तोया होता है वो खाना खा लेता है और कहता है खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। जो लुई होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है इसकी तारीफ सुन के। और यहाँ पे हम देखते तोया होता है वो यहाँ पे सबका
का वेलकम कर रहा होता है। यहाँ पे जो ये पूरी तैयारी कर चुका होता है, कुछ टेबल टूबल लगा चुका होता है और यहाँ पे जो सारे बंदे हैं वो भी यहाँ पे आ चुके होते हैं जगह के अंदर। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जो तोया है वो यहाँ पार्टी शुरू कर रहे हैं। बंदे जो है यहाँ पे काफी ज्यादा गेम खेल रहे होते हैं और काफी ज्यादा जो है यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे होते हैं। और तभी जो है यहाँ पे रात हो जाती है। तोया बोलता है कि आप सबके लिए लास्ट सरप्राइज यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो है तोया जो है बम फोड़ के दिखाता है, आतिशबाजी हो रही होती है, सभी लोग जो है इसको देख रहे होते। तभी जो लुई है वो बोलती है तोया को, तोया थैंक यू, आपकी वजह से मैं जो हूँ बहुत सारी चीजों को यहाँ पे सीख पाई हूँ और मैंने जो है पहली बार अपनी जिंदगी में जो है यहाँ पे खाना भी बनाया वो भी खुद से। तभी जो तोया है वो यहाँ पे जो है एक अंगूठी को निकालता है और वो जो है यहाँ पे लुई को दे देता है। लुई बोलती है कि फाइनली मैं जो हूँ तोया की फ्यों से कहला सकती हूँ। जो लुई होती है वो तोया का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर श्रम के मारे पकड़ नहीं पा देते। तोया है वो इसको नोटिस कर लेता है और वही जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अभी के लिए हम जैसे एक लवर लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जैसे एक मैरिड कपल हैं। वैसे भी हम लोगों को जो है इस जगह पे बहुत ही लंबे समय तक रहना है। तो गाइस इसी के साथ अपना ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।